अब लाइव से ही बना है लाइवलीहुड, जैसे लाइवलीहुड, ये एक प्रत्यय है। फेसबुक पर लिव लाइव की रील पर 1.5 मिलियन से भी ज़्यादा व्यू आए और काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि मैम हमें इसका फुल वीडियो चाहिए। तो ये एक ऑन डिमांड वीडियो है, लिव लाइव लीव, ये सारे वर्ड्स को मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी, सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लिव, यहाँ पर आई का शॉर्ट साउंड हो रहा है, हमें लिव बोलना है, लीव नहीं बोलना है। ये लीव है, यहाँ पर लॉन्ग साउंड ऑफ ई है, ई, हमें लीव बोलना है और यहाँ पर लिव बोलना है, जल्दी से बोलना है। ये लाइव है, यहाँ पर लॉन्ग साउंड ऑफ आई है, आई लेटर का जो नेम होता है वो हम यहाँ पर बोलेंगे ल आईव, लाइव। आई के दो साउंड्स होते हैं, एक शॉर्ट ई और दूसरा लॉन्ग आई। शॉर्ट साउंड यहाँ पर हो रहा है ई और लॉन्ग साउंड यहाँ पर हो रहा है आई। लिव लाइव एंड लीव। अब आगे बढ़ते हैं और इनके यूजेस देखते हैं। आई लिव इन इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया, इस तरह से सेंटेंसेस में यूज होता है। ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट जो होता है कि हमें आई के साथ क्या यूज़ करना है, ही के साथ क्या यूज़ करना है, या किसी के नाम के साथ वर्ब में हमें एस लगाना है या नहीं लगाना है, तो वो उसका पार्ट है। ये सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट का भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें वर्ब में कब एस लगाना है और कब नहीं लगाना है। सो ये आई लिव, ही लिव्स, ही शी इट के साथ आने पर हम लिव में एस ऐड करेंगे क्योंकि लिव एक वर्ब है। आई लिव इन इंडिया, ही लिव्स इन इंडिया। नाउ लाइव, लाइव का यूज कब होता है? जब हम लोग जैसे लाइव कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई टीवी पे मैच आ रहा है या फिर कोई रियलिटी शो आ रहा है या फिर यूट्यूब लाइव होता है, फेसबुक लाइव होता है, तो वहाँ पर लाइव का यूज़ होता है। और मोस्टली लाइव आप देखेंगे कि कैपिटल लेटर्स में लिखा होता है, LIVE, लाइव, लाइव परेड होती है, तो ये सारी जगह पर लाइव का इस्तेमाल किया जाता है। लाइव मैच या यूट्यूब लाइव हम क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब हम देखते हैं लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना, छुट्टी लेना। जैसे हम कई बार बोलते हैं लीव इट, फॉरगेट इट, मतलब इसको भूल जाओ, इसे छोड़ दो। जैसे कि कोई बात पर किसी के साथ बहस हो गई तो हम बोलते हैं लीव इट, अब इस पर क्या ज़्यादा बहस करनी, लीव इट। तो इस तरह से लीव इट यूज़ होता है छोड़ने के लिए। देन आई वॉन्ट अ लीव टुमोरो, मैं कल एक दिन की छुट्टी चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर लीव का इस्तेमाल होगा। आई वॉन्ट टू लीव नाउ, मैं अब जाना चाहता हूँ, मैं अब इस जगह को छोड़ना चाहता हूँ। जैसे आपके घर पर कोई आया और वो बोल रहा है आई वॉन्ट टू लीव नाउ, मतलब मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अब जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उस वहाँ पर वो पर्सन यूज़ करता है आई वॉन्ट टू लीव नाउ, मुझे इस जगह को अब छोड़ना है, अब मुझे जाना है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। लीव, लीव्स, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। आपने यहाँ पर यूज़ किया आई वॉन्ट अ लीव टुमोरो, मतलब मैं एक दिन की छुट्टी चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो वहाँ पर आपको यूज़ करना है अ लीव, मतलब वन डे के लिए लीव चाहिए। और लीव्स का कब इस्तेमाल होगा? प्लूरल के लिए, लाइक यू हैव टेकन मेनी लीव्स, तो वहाँ पर लीव्स का इस्तेमाल होगा, मतलब ज़्यादा छुट्टियाँ। ये लीव है, लीव मतलब पत्ती, और लीव का प्लूरल होता है लीव्स। हम जानते हैं यहाँ पर F रिमूव करके हमें VES लगाना होता है। इंग्लिश में जब हम लोग वर्ड्स का प्लूरल बना रहे होते हैं तो हमें F हटाकर, F रिमूव करके VES ऐड करना होता है, तो ये लीव्स बन जाता है। और दोनों लीव्स की स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग अलग अलग हो जाता है। ये लीव्स मतलब बहुत सारी छुट्टियाँ और ये लीव्स मतलब पत्तियाँ, लीव मतलब पत्ती, लीव्स मतलब पत्तियाँ। नाउ लाइफ एंड लाइव्स, लाइफ मतलब एक जिंदगी और लाइव्स मतलब बहुत सारी जिंदगियां। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है, एफ और ई भी रिमूव करके हमें VES ही लगाना होता है जब हम इंग्लिश में वर्ड्स को प्लूरल बना रहे होते हैं। एफ रिमूव करके भी VES लगाया और एफ ई रिमूव करके भी VES ही लगाया, तो ये लाइफ और ये लाइव्स बन जाता है। लाइफ का एक्चुअल मतलब होता है एग्जिस्टेंस, हमारी जिंदगी, हम यहाँ पर जी रहे हैं, हम हमारे अंदर लाइफ है, प्लांट्स के अंदर लाइफ है, एनिमल्स के अंदर लाइफ है, तो लाइफ मतलब जिंदगी जीना या एग्जिस्टेंस बोला जाता है। इसीलिए
जब हम यहाँ पर लाइव यूज कर रहे हैं, जब हम लाइव प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, तो उस लाइव प्रोग्राम में, लाइव मैच में या फिर लाइव वीडियो में किसी जिंदगी का एग्जिस्टेंस होता है, उसी समय पर वो प्रोग्राम दिखाया जा रहा है जब वो पर्सन बोल रहा है या फिर कोई मैच खेला जा रहा है या फिर परेड हो रही है, तो उस समय जिंदगी का एग्जिस्टेंस वहाँ पर है, इसीलिए उसको लाइव बोला जा रहा है, ठीक है, क्योंकि लाइफ का एग्जिस्टेंस है वहाँ पर। बट अगर कोई कोई वीडियो रिकॉर्डेड है, जैसे कि आप अभी ये वीडियो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, जब मैंने रिकॉर्ड किया उसके बाद कुछ समय के बाद देख रहे हैं, तो इस वीडियो के अंदर लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं है, आप इसको लाइव नहीं देख रहे हैं। मैं आपके सामने अभी लाइव नहीं हूँ, ये मैंने वीडियो पहले रिकॉर्ड किया था। जो इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उसके बेस वर्ड पर जा करके हमें चीज़ों को समझना पड़ता है, तब हम इंग्लिश को ईजिली समझ पाते हैं। अब लाइव से ही बना है लाइवलीहुड, लाइवलीहुड मतलब आजीविका, मतलब हम जो कमाने का साधन होता है हमारा, उसे हम बोलते हैं लाइवलीहुड। देन लाइवली मतलब कोई चीज़ जीवंत है हमारे सामने, जैसे कि हम बोलते हैं ये पिक्चर एकदम लाइवली लग रही है, मतलब लग रहा है कि इस पिक्चर में लाइफ है, तो वहाँ पर हम लाइवली का इस्तेमाल करते हैं। देन अलाइव, अलाइव मतलब कोई पर्सन जिंदा है, ही इज़ अलाइव, मतलब लाइक मान लीजिए कि कभी हम देखते हैं मूवीज़ में कि किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो वहाँ पर जो यूज़ किया जाता है कि वो जिंदा है, तो मतलब ही इज़ अलाइव, वहाँ पर यूज़ किया जाएगा अलाइव। तो सो ये जो लाइव है वो लाइफ से रिलेटेड है। सो इंग्लिश को थोड़ा डीप में जाकर अब जब हम समझते हैं, उसके बेस वर्ड्स को समझते हैं कि जो वर्ड का ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है, जिस तरह हमने हिंदी को समझा है, हम हिंदी के ओरिजिन को समझते हैं, हिंदी के बेस वर्ड को समझते हैं, उसके बाद उसके पीछे आगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स लगाया जाता है, वर्ड्स के आगे और पीछे उपसर्ग और प्रत्यय लगाया जाता है, या फिर यूज़ के हिसाब से वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है। तो उसी तरह से इंग्लिश में भी होता है कि यूजेस के हिसाब से उसके थोड़ा आगे पीछे, वर्ड्स के आगे पीछे प्रीफिक्स और सफिक्स लगाया जाता है, वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है। जब हम इंग्लिश को भी बेस से समझते हैं, इंग्लिश के बेस वर्ड्स को हम समझ लेते हैं और उसके बाद दूसरे वर्ड्स को हमसे रिलेट करते हैं, तो हमें इजीली चीज़ों का मतलब भी समझ में आ जाता है और स्पेलिंग्स भी हमें ईजिली लर्न हो जाती है। हिंदी में जिस तरह हम उपसर्ग और प्रत्यय समझते हैं, उपसर्ग मतलब कि पहले वर्ड के पहले जो चीज़ लगाई जाती है वो उपसर्ग होती है और बाद में जो लगाई जाती है वो प्रत्यय होती है, तो इसी तरह से यहाँ पर जैसे लाइव ली हुड ये एक प्रत्यय है, ये एक सफिक्स है, उसको सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पर लाइव और ली भी एक सफिक्स है और उसके बाद एक और सफिक्स यहाँ पर यूज़ किया गया है, तो ये वर्ड हमें बड़ा और हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको अगर आप समझो लाइव एंड देन ली एंड देन हुड, देन यू विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट, और ये कहाँ से आया है वो भी आप इजीली समझ पाओगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लिव लाइव और लीव के बारे में आपका जो कन्फ्यूज़न था वो क्लियर हो चुका होगा। सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज रिचा मेहता एजुकेशन को फॉलो कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो।